सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चंस इन एचएससी बोर्ड। इस साल जो आने वाले क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटीली पिछले 8 साल के पेपर का एनालिसिस मैंने किया है और उसके अंदर देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ये एचएससी बोर्ड में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है जिसके अंदर हम रिपीटिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियोस और भी बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। आज के वीडियो के अंदर हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इस पे बात करेंगे, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट थिंग, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपडेट्स ये सब आपको बताते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ड्यूअल नेचर से हम बात करें तो विथ ए नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सवाल है इसके ऊपर आपको डायग्राम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे, ये आपको सवाल इस साल फरवरी 2023 में और उससे पहले अक्टूबर 2021 में ये सवाल पूछा गया है आपको। देखो फिर अगला सवाल, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सवाल आपको फरवरी 19 में पूछा था। अब अगर ये दो क्वेश्चन देखें, इससे मैं एनालिसिस करके आपको ये बोल सकता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आपको डायग्राम ये पूछा जा सकता है, जो कि अभी हम और भी बात करेंगे कि कब कब पहले भी हमको पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए इस चैप्टर में से, क्योंकि ये सवाल आपको यहां तो पूछा ही है, साथ में 15 में 13 में 11 में 10 में, मतलब पुराने कुछ इयर्स के अंदर आपको पूछे हुए गए सवाल थे इस चैप्टर से। ठीक है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप इतना पढ़ते हो तो ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल है जो रिपीट हुआ है बोर्ड के अंदर, तो आपको ये करके जाना चाहिए एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज पे हम ध्यान दें तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसका भी डायग्राम, इसके एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें बोर्ड्स में पूछी गई है। ये पुराना सवाल है जो कि शायद तक हो सकता है कि 2024 के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं सवाल इस पे। ठीक है, अब अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो इसके कंसेप्ट सारे अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि इधर से यही सवाल है जो अगर थ्योरी में देखने को मिला तो आएगा, नहीं तो दूसरा न्यूमेरिकल में जो आता है उसके बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, सो ये छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर मेरा यही कंसेप्ट समझाना था कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट इस चैप्टर से अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको फुल मार्क्स मिले। आई होप यू हैव वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।